इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा से जुड़ी ये बड़ी खबर। 20 अप्रैल से पहले आएगा रिजल्ट। 10वीं 12वीं के नतीजे एक साथ घोषित होंगे। 10वीं में 29,54,174 परीक्षार्थी हुए थे शामिल, तो वहीं 12वीं में 25,46,640 परीक्षार्थी हुए थे शामिल। रिजल्ट के बारे में जानने में छात्रों की बहुत रुचि रहती है, क्योंकि इतने कम टाइम में कॉपीज चेक हो रही हैं, तो रिजल्ट की उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी ही आएगा। तो सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बताया कि अप्रैल माह में इसका परीक्षा का परिणाम घोषित कर दे। तो देखा आपने क्या बोल रहे थे ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधीक्षक महोदय, कि बच्चों का रिजल्ट 20 अप्रैल से पहले ही घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि कॉपियों का जो मूल्यांकन है इसकी प्रक्रिया लगभग 12 दिन में ही समाप्त हो गई है। 31 मार्च तक कॉपियों का मूल्यांकन हो चुका है, अब केवल और केवल बच्चों को रिजल्ट का इंतजार है। रिजल्ट में बैठे हुए लगभग 58 लाख से भी ज्यादा परीक्षार्थियों का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट इसी अप्रैल महीने में घोषित होना है, क्योंकि 19 तारीख से लोकसभा चुनाव के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है कि बच्चों का रिजल्ट लोकसभा चुनाव होने से पहले ही घोषित कर दिया जाए, ताकि वो अगली कक्षा में प्रवेश ले सके। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर ले, रिजल्ट आपका 20 अप्रैल से पहले ही आएगा, ये बहुत ही बड़ी सूचना निकल के सामने आ रही है। 10वीं और 12वीं देने वाले बोर्ड के सभी परीक्षार्थियों के लिए बोर्ड के सचिव ने बैठक जारी कर दी है, और इस बैठक के माध्यम से जो भी रिजल्ट की उचित डेट निकल के सामने आएगी हम आपको बताते रहेंगे। NIC वाली वेबसाइट पर विजिट करके आप अपना रिजल्ट आसानी से चेक और डाउनलोड कर पाएंगे। रिजल्ट 2 मिनट में कैसे निकाला जाता है वो भी हमने आपको सिखाया हुआ है, कि आपको सिंपली गूगल पे जाकर, जैसे ही आप uprizult.nic.in या फिर upmsp.edu.in लिख के सर्च करते हैं, ऊपर ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट आ जाती है, जिसपे आप टैप करके आपको अपना रोल नंबर और विद्यालय कोड दर्ज करा के जैसे ही आप सबमिट करते हैं, रिजल्ट मात्र 2 मिनट में आपके सामने होगा।